हेलो एवरीवन, मैं हूं जेसन रवि, आज के सिनेमा की आवाज और समरी ऑफ सिनेमा में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम फ्यूरियोसा अ मैड मैक्स सागा फिल्म का रिव्यू करने वाले हैं जो आज ही रिलीज हुई है सिनेमाघरों में। ये एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है जॉर्ज मिलर ने एंड प्रोड्यूस भी किया है डो मिशेल के साथ। जॉर्ज मिलर ने सारी मैड मैक्स फिल्म्स बनाई हैं और उन्होंने पहली बार मैड मैक्स फिल्म 1979 में बनाई थी, आज से 45 साल पहले। कमाल के डायरेक्टर हैं। अब उनकी नई फिल्म आई है फ्यूरियोसा अ मैड मैक्स सागा, जो कि एक प्रीक्वल है और फ्रेंचाइज की लीड कैरेक्टर फ्यूरियोसा की शुरुआत को फिल्म एक्सप्लोर करती है। फ्यूरियोसा जब छोटी थी तब वो ऑस्ट्रेलिया के दूर वेस्टलैंड में एक रेयर ग्रीन ओएसिस में रहती थी। उसकी जिंदगी बदल जाती है जब डिमेंटस, एक वाइल्ड बाइकर गैंग लीडर जिसे क्रिस हेमिंग्सवर्थ ने प्ले किया है, उसे किडनैप कर लेता है और उसकी मां को मर्सिलेसली मार देता है। फिर वो उसे इमॉर्टल जो को दे देता है। फ्यूरियोसा सिटेडल में बड़ी होती है और एडल्ट होने पर इमॉर्टल जो के लिए सप्लाईज को 3 लोकेशंस, द सिटेडल, गैस टाउन और द बुलेट फार्म के बीच में ट्रांसपोर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। उसे एक रोड वॉरियर बनने की ट्रेनिंग मिलती है अपने मेंटर जैक से। अपनी नई जिंदगी के बावजूद फ्यूरियोसा अब भी डिमेंटस से बदला लेने और अपने पुराने हरे भरे घर वापस जाने का सपना देखती है। क्या वो बदला ले पाएगी और क्या वो अपने घर जा पाएगी, वो सब देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी थिएटर्स में। आनिया टेलर-जॉय ने मेन रोल में जबरदस्त इंटेंसिटी के साथ परफॉर्म किया है, जो यंग फ्यूरियोसा की वल्नरेबिलिटी और खतरनाक डिटर्मिनेशन दोनों को कैप्चर करता है। विलेन डिमेंटस की बात करें तो वो एक सुपर्ब कैरेक्टर निकल के आता है, जितना फ्लैम्बॉयंट है उतना पागल भी है, और क्रिस हेमिंग्सवर्थ ने परफेक्टली प्ले करके एक कमाल का विलेन प्रेजेंट किया है। डायरेक्टर जॉर्ज मिलर इस बार रोड वॉरियरिंग से ज्यादा अपने वर्ल्ड बिल्डिंग में फोकस करते हैं और ये फिल्म में भले ही कुछ अच्छे एक्शन मोमेंट्स हैं, लेकिन इसका एक्शन उतना डोमिनेट नहीं करता जितना इससे पहले वाली मैड मैक्स फिल्म्स में करता था। खास करके मैड मैक्स फ्यूरी रोड को स्पेशल बनाने वाला सरप्राइज एलिमेंट इस फिल्म में थोड़ा मिसिंग है, लेकिन फिर मिलर का वर्ल्ड बिल्डिंग उतना ही इमेजिनेटिव है जितना पहले था, और इसलिए ये फिल्म एक बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस डिजर्व करती है और डेफिनेटली पैसा वसूल फिल्म है। मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इस बेहतरीन फिल्म को थिएटर में जरूर इंजॉय करें, जाइए और देखिए। सो वेल फ्रेंड्स, ये था फ्यूरियोसा अ मैड मैक्स सागा का रिव्यू आपके लिए। कैसा लगा ये आप कमेंट्स में बताना। अगर लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाई है तो गॉड ब्लेस यू, और अगर नहीं दबाया तो प्लीज दबा दीजिए और हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट और इनकरेज कीजिए। रिव्यू को मैड मैक्स फिल्म्स के फैन और क्रिस हेम्सवर्थ के फैन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फिलहाल के लिए मैं जेसन रवि विदा लेता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया और जय हिंद।